हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं। कुलस्ते जी, मध्य प्रदेश सहित तीन राज्यों में बंपर जीत के बाद अभी तक भाजपा जो है सीएम फेस डिसाइड नहीं कर पा रही, क्या ये कल तय होगा? कल विधायक दल की बैठक है मंडे को, और मोटे तौर से तस्वीर कल आ जाएगा और हो सकता है रात तक घोषणा हो जाए। और इसलिए अलग अलग राज्यों के अलग अलग हमारे ऑब्जर्वर्स हैं, पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये तीनों प्रदेशों के पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं और कुछ तो आज बैठकें चल रही हैं, कल लगभग हो जाएगा। इतनी उम्मीद की थी जिस तरीके से मैंडेट जनता ने दिया है तीनों राज्यों में, खासतौर से मध्य प्रदेश में लोगों का उत्साह है, जनसमर्थन था विकास के नाम पर, लोगों ने काफ़ी अच्छा मध्य प्रदेश में दिया, फिर बहनों का भी समर्थन मिला है, तो इस प्रकार का एक पूरा तस्वीर ध्यान में आया है और काफ़ी महिलाओं ने वोट भी किया। क्या लग रहा है ये जो क्रेडिट है खासतौर से मध्य प्रदेश का, ये सीएम को जाता है या पीएम को इसका क्रेडिट? देखिए, हम चुनाव लड़े थे, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इसके लीडर थे तीनों स्टेटों का, और इसीलिए देखिए जो भी योजनाएं कार्यक्रम हैं, हमने जैसे पीएम के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी, ये इस प्रकार के ये बहुत लोगों को एक उत्साह देने वाला विषय था। इसलिए मुझे लगता है कि देखिए आज पूरे देश में प्रधानमंत्री जी का अपना एक स्थान है। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में कौन होगा मुख्यमंत्री? देखिए अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, कल ही जब हमारे विधायक दल में तय हो जाएगा तो ये सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। आपकी पसंद क्या है? देखिए हमारी कोई पसंद नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिसको बना देंगे वो इसी को नमस्ते कर लेंगे। ये थे फग्गन सिंह कुलस्ते, जिनका ये मानना है कि उनकी पर्सनल कोई चॉइस नहीं है, पार्टी ने कहा था इसलिए वो चुनाव लड़े, और चुनाव हारने के बाद उनका कहना है कि मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मैं सोशल सेक्टर में काम करता हूँ, और पार्टी जिसको सीएम फेस बनाएगी वो उनकी पसंद होगा। सैयद जावेद अली, मंडला, MP तक।